आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है। बेस ये लाइन होती है जिस पे ट्रायंगल बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो लाइन आती है यहाँ ऊपर वाले पॉइंट से लेकर नीचे वाले लाइन तक, तो ये जो होती है वो ट्रायंगल की हाइट होती है। अगर हमें ट्रायंगल का बेस दे रखा है 12 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका बेस जो है वो है 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हमें 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। तो हमें इसका बेस दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हम करेंगे हाफ इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू हाइट इसकी है 6। सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो नीचे 2 है इससे हमको 12 को डिवाइड करना है, तो 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 6 सेंटीमीटर, और ये मल्टीप्लिकेशन में 6 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 36, 6 6 ज़ा 36, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो निकाला जाता है। ये वैल्यूज हमने अपने अकॉर्डिंग ली थी यहाँ पे कोई। कोई भी वैल्यूज दी जा सकती है, इस हिसाब से हमको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। और अगर इसी ट्रायंगल का हमको को पेरीमीटर निकालने बोला जाए तो ये 12 सेंटीमीटर है, एक ट्रायंगल की हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरा जो इसका साइड होगा ट्रायंगल का उसको निकालने के लिए जो होता है वो अलग फॉर्मूला यूज़ होता है। तो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में यही बताऊंगा कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड दी होती है, नीचे वाली साइड और उसकी राइट या फिर लेफ्ट साइड, तो हम देखेंगे कि हम उसकी दूसरी साइड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे हम ट्रायंगल की कोई भी साइड निकाल सकते हैं। तो अगर आज आपको मेरा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो कमेंट करके बताएं, आइएगा और अगर आपको कोई डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, आप चाहे तो उस पे मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।